हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईस्ट फेस हाउस डिजाइन, जिनके अंदर तीन साइड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है और एक साइड किन्नी और का भूखंड आया हुआ किन्नी अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि है पश्चिम दिशा, बाकी तीन साइड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया की, जो हमने दे रखा 30 बाई 39, 30 फीट चौड़ाई के अंदर और 39 फीट 39 फीट लंबाई के अंदर हमारा जो मकान है वो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो प्लॉट है वो काफ़ी बड़ा है। उत्तर के अंदर इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, साउथ के अंदर इनकी खुद की प्रॉपर्टी है और ईस्ट के अंदर भी इनकी खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी जो पश्चिम दिशा है इस तरफ अदर प्रॉपर्टी की नहीं और की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया, तो देखिए चौड़ाई के अंदर जो हमारा मकान बन रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 30 फीट, ठीक है। और जो लंबाई के अंदर बन रहा है वो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक वो है हमारा 39 फीट, ठीक है। 39 फीट लंबाई के अंदर प्लॉट जो है हमारा मकान है वो बन रहा है, ठीक है। तो 30 बाई 39 के अंदर मकान बन रहा है। अब बात करते हैं ईस्ट पूर्व दिशा से हम जैसे एंटर होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे हम तीन स्टेयर अप करते हैं तो पोर्च बना हुआ हमारे पास, जिसकी साइज है 9 फीट बाई 8 फीट। ये जो ड्राइंग रूम है इसकी दीवार से लेके किचन की दीवार तक, ठीक है, तो 9 फीट बाई 8 फीट का हमारे पास पोर्च बना हुआ है। अब पोर्च के इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा ड्राइंग रूम आ रहा है, जिसकी साइज़ होगी हमारी 10 फीट बाई 13 फीट, 10 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, 10 बाई 13 का हमारे पास ड्राइंग रूम हो गया। इसकी एक 4 फीट की विंडो सामने पूर्व दिशा की तरफ निकली और एक 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा की तरफ निकली, ठीक है। और ड्राइंग रूम का एक 2.5 फीट का दरवाज़ा घर के अंदर खुल रहा है और एक 3.5 फीट का दरवाज़ा सामने पोर्च के अंदर बाहर खुल रहा है, ठीक है। और इस ड्राइंग रूम के अटैच के अंदर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच टॉयलेट भी दे रखा है, जिसकी साइज़ है 5 बाई 5, 5 फीट ऐसे और 5 फीट ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है, ठीक है। अब ड्राइंग रूम से वापस बाहर आते तो ये हमारा पोर्च हो गया। इस तरफ देखिए हमारा 4 फीट का घर का मेन दरवाज़ा, ठीक है। इसको हम जैसे ही मेन डोर को खोलते हैं तो हम एंटर हो रहे हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, ठीक है। अब मेन डोर के इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी साइज़ है 9 फीट बाई 9 फीट, 9 बाई 9 का किचन आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारा पोर्च हो गया। अब पोर्च के इस तरफ और किचन की दीवार तक ये देखिए ये हमारे पास आ रहा किचन के इधर पार्किंग दक्षिण दिशा के अंदर, ठीक है, जिसकी साइज़ है 9 बाई 11, 9 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा पार्किंग आ रहा है, तो किचन की जो एक विंडो है साउथ के अंदर पार्किंग के अंदर निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा पार्किंग एरिया आ रहा है। अब इस पार्किंग एरिया से इस पोर्च तक हमने बालकनी दे रखी है इस प्रकार से, एस आकार के अंदर हमने ये बालकनी बनाई है, ठीक है, ताकि और भी घर का बाहर से अच्छा लुक आए, ठीक है। अब ये हमारा मेन डोर हो गया, इसको जैसे ही खोलते हैं तो इस तरफ तो किचन हो गया, ये किचन का 3.5 फीट का दरवाज़ा। ये हमारा आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ठीक है, जिसकी साइज है 12 फीट बाई 12 फीट 8 इंच, 12 फीट ऐसे हो गया और 12 फीट 8 इंच ऐसे। ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया। और डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं, ये देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी साइज़ है 5 बाई 6 फीट 8 इंच, 5 फीट ऐसे और 6 फीट 8 इंच ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी उत्तर दिशा के अंदर निकला है, ठीक है। कॉमन टॉयलेट के जैसे सामने देखते हैं तो हमारे पास स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और 3 बाई 7 का स्टेयर केस का लैंडिंग है, 3 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे, ठीक है। स्टेयर केस के इस तरफ देखते हैं ये 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 10 बाई 15 फीट 8 इंच, 10 फीट ऐसे और 15 फीट 8 इंच ऐसे का एक बेडरूम। इसकी 4 फीट की विंडो इधर साउथ के अंदर, ठीक है, दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम के जस्ट दरवाजे के पास में देखिए एक और 3.5 फीट का दरवाजा है, जो कि बेडरूम के अंदर खुल रहा है और इस बेडरूम की साइज़ हमारे पास 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा के अंदर खुल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसको थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ, ठीक है, लुक वगैरह, ठीक है। ये हमारा हो गया पोर्च और ये हमारा हो गया पार्किंग, ठीक है। किचन के इस तरफ हो गया हमारा पार्किंग 9 बाई 11 का और ये हमारा पोर्च हो गया किचन की इस दीवार से लेकर ड्राइंग रूम की इस दीवार तक, ठीक है। और ये हमारे इसके बाद में बालकोनी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस के अंदर ही आप मान लो कि 3-4 ये लाइनें इतनी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्लास देना है लैंडिंग के ऊपर, ठीक है, पूरा, ठीक है, ताकि आपको घर का जो मेन जो फ्रंट है वो आपका अच्छा दिखे। चलिए मैं आप उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरा सही से समझ में आ जाए। देखो पार्किंग हो गया, किचन, पोर्च, ड्राइंग रूम का अटैच टॉयलेट, डाइनिंग और लिविंग एरिया, स्टेयर केस, कॉमन टॉयलेट और पीछे 2 बेडरूम, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से डिजाइन है वो समझ में आ जाए। ये किचन की इस तरफ पार्किंग, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बेडरूम दोनों के यहाँ पे दरवाजे, स्टेयर केस, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन की इस तरफ पार्किंग, मेन डोर, पोर्च,
ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का ये अटैच टॉयलेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।